सबसे पहले भारतीय गणतंत्र दिवस के यहां उपस्थित सभी लोगों को मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं। आज हम सब लोग 71वें गणतंत्र दिवस का उत्सव मनाने के लिए यहां पर एकत्रित हैं। आज के कार्यक्रम में हमारे विद्यालय के आदरणीय प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल मैडम, सभी इस स्कूल को ऊंचाइयां प्रदान करने वाले हमारे शिक्षकगण, प्रमुख रूप से हमारे वो सभी बच्चे जिनको भी बहुत ऊंचाइयों तक जाना है, और सभी पेरेंट्स जो आज यहां एक बहुत गर्वमय कार्यक्रम में उपस्थित है। मैं आपको एक व्यक्तिगत बात बता के अपनी बात यहां प्रारंभ करना चाहता हूं। मैं जब सागर में अपने गांव से सागर आया था पढ़ाई करने के लिए, तो मैंने छठवीं क्लास में सागर में एडमिशन लेने का प्रयास किया और आठवीं और नौवीं क्लास के लिए मैंने प्रयास किया कि सेंट्रल स्कूल में मेरा एडमिशन हो जाए, लेकिन स्कूल की अपनी मर्यादा है, स्कूल की अपनी गरिमा है, और मैं पढ़ने में बहुत अच्छा विद्यार्थी कभी रहा नहीं, इसलिए स्कूल ने मुझे एडमिशन नहीं दिया। लेकिन आज आप सबके बीच में स्कूल में चीफ गेस्ट बन के आने का अवसर मिला, एक मेरे लिए बहुत सुखद अनुभव है कि आपके बीच में आकर अपनी बात रखने का। आज का अवसर हमें अपने संविधान के प्रति मर्यादित तरीके से इसका पालन करें, देश को ऊंचाइयों तक हम ले जाएं, इस बात का ये उत्सव, ये अवसर हमें हमारा देश प्रदान करता है। एक 15 अगस्त का दिन और 26 जनवरी का दिन, ये हम सब लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। 15 अगस्त को हमें आजादी मिली और आजाद होकर आज देश ने बहुत प्रगति की है और आज देश का मान पूरे विश्व में है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन हम सब अपने अधिकारों के प्रति और अपने कर्तव्यों के प्रति, ये वो दिवस है जब हम अपने अधिकारों की बात भी करते हैं। और आज मेरा ऐसा मानना है कि जिस ताकत से हम अधिकारों को मांगने का प्रयास करते हैं और जो हमें मिलना चाहिए, आज ऐसे अनेक अवसर हमारे जीवन में आते हैं जब हम अपने अधिकारों के प्रति लड़ाई भी लड़ते हैं और उनको पाने का प्रयास भी करते हैं। और चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो, सभी सरकारें बेहतर तरीके से हम सबको सुविधाएं देने का काम करती है। लेकिन मैं आज के अवसर पर आप सबसे देश के प्रति हम क्या कर सकते हैं, देश के लिए हम क्या दे सकते हैं, समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं और समाज के लिए हम अपनी तरफ से क्या योगदान दे सकते हैं,
इस बात को जरूर आपके बीच में कहना चाहता हूं, क्योंकि यहां पर वो सब बच्चे बैठे हैं जिनको आगे जाकर बहुत ऊंचाइयां आप सबको पानी है। और आज जिस प्रकार से ये कार्यक्रम यहां पर आयोजित हुआ, काफी मेहनत करके स्कूल के टीचर्स ने इस पूरे कार्यक्रम की संरचना रची और बहुत अच्छे कार्यक्रम, कुछ हमारे बहुत छोटे छोटे बच्चे थे सामने हमारे बैठे हैं, बहुत सुंदर इन बच्चे जो बच्चे बैठे हैं बहुत अच्छा गा रहे थे। यहां पर मैं तो गायन के बारे में भी बहुत जानता नहीं हूं, लेकिन लग रहा था कि मेरे मुझे ताली बजाने के लिए आप सब लोग मजबूर कर रहे हैं। बहुत अच्छा, अच्छे डांस भी हमने देखे और निश्चित तौर पर हम पूरे स्कूल परिवार को अपनी ओर से शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि आपने इस पर्व को, इस महान पर्व को एक बहुत गर्मा पूर्वक कार्यक्रम मनाने के लिए सब लोगों को प्रेरित किया और सभी लोग अनुशासित होकर इस कार्यक्रम को मनाने के लिए यहां पर बैठे हैं। मैं आपसे एक बात आवश्यक रूप से कहना चाहता हूं, यदि हम अपने कर्तव्यों के लिए थोड़ा सा चिंता करें, आज हम देख रहे हैं कि अधिकारों की बात हम बहुत ताकत से करते हैं, लेकिन जब हम अपने कर्तव्य निभाने की हमारी बारी आती है तो उसमें कुछ हम पीछे छूट रहे हैं। आज मैं, हमारे पेरेंट्स भी हैं, हमारे शिक्षक भी हैं और कुछ हमारे जो बच्चे हैं जो 10th, 11th, 12th के बच्चे होंगे वो इस बात को समझ सकते हैं कि आज यदि सबसे बड़ी कोई आवश्यकता है तो वो आवश्यकता है हमारे अपने जो हमारी ड्यूटीज हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं, इनको हमें आवश्यक रूप से देश से साझा करना चाहिए। आज यदि हम बात करेंगे हमारे परिवार के प्रति क्या जवाबदारी है, हमारे स्कूल के प्रति क्या जवाबदारी है, हमें प्रदेश के प्रति किस जवाबदारी का पालन करना चाहिए या राष्ट्र के प्रति हमारी क्या जवाबदारी बनना चाहिए, इस बात को 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन, ये दो ऐसे अवसर होते हैं जब हम इस बात को सोचें और गंभीरता से इसके लिए हमें विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि हम अधिकारों के साथ यदि अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो हम निश्चित तौर से एक अच्छे इंसान, एक अच्छी सिविलियन, एक देश को ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए जो हमारी ताकत है उस ताकत का हम ठीक तरीके से उपयोग नहीं करते। इसलिए मैं सभी बच्चों से और हमारे जो बच्चों के माता पिता यहां पर उपस्थित हैं इस बात को कहना चाहते हैं कि सभी बच्चों को ऐसी आदत डालना चाहिए कि वो बच्चे अपने कर्तव्य के प्रति, उनमें एक ऐसा भाव उत्पन्न हो, वो राष्ट्र के प्रति सोचे, वो अपने माता पिता के प्रति एक सम्मान का भाव, जो टीचर्स दिन रात मेहनत करके आपके जीवन को संवारने का काम करते हैं उन टीचर्स के प्रति भी आपकी ड्यूटी बनती है। लेकिन इन चीजों में मेरा ऐसा व्यक्तिगत रूप से यह मानना है कि इन चीजों में गिरावट आई है। आज बड़ों के प्रति सम्मान, आज माता पिता के प्रति सम्मान, अपने गुरुजन के प्रति जो सम्मान आज से इसके पहले की पीढ़ी में हुआ करती थी वो आज हमारे बच्चों में धीरे धीरे इस चीज की कमी आ रही है। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं कि केवल 100 में से 100 नंबर लाकर आप कोई बहुत अच्छे स्टूडेंट बन जाएंगे, ये मैं ऐसा नहीं मानता। 100 में से 60% नंबर लाने वाला बच्चा यदि अपना, उसके माता पिता के प्रति सम्मान है, अपने गुरुओं के प्रति सम्मान है, तो मैं मानता हूं कि वो बच्चा ज्यादा उपयोगी आगे चल के सिद्ध होगा। इसलिए देश के प्रधानमंत्री भी इस बात को, अभी आदरणीय प्रिंसिपल सर ने इस बात का उल्लेख किया कि अंकों की लड़ाई में हमें नहीं उलझना है। आज 100 में से
यदि किसी बच्चे को 90 नंबर मिलते हैं तो उसके माता पिता उसको डांटते हैं कि तुम्हें क्या, तुम्हें 100 में से 90 नंबर लेके आ गए। अब हम अपनी स्थिति बताएं, हम लोगों की पीढ़ी की स्थिति बनाए, यदि हम 100 में से 50% नंबर लेके घर जाते थे तो माँ बाप मान लोगों की पीठ थपथपाते थे कि बच्चा सेकंड डिवीजन में पास होके आ गया। लेकिन आज स्थिति यह है कि बच्चे इतने स्ट्रेस में, बच्चों को अंकों की लड़ाई में ऐसा उलझाया गया है कि बच्चे, उनका जो सर्वांगीण विकास होना चाहिए वो विकास में पिछड़ गए। आज बच्चों को खेलने के अवसर नहीं है, सुबह 7 बजे स्कूल, 3 बजे 4 बजे बच्चे घर पहुंचते हैं, उसके बाद ट्यूशन, ट्यूशन के बाद होमवर्क और होमवर्क के बाद बिस्तर, इसके अलावा बच्चों की कोई जिंदगी बची नहीं। अब बच्चे अन्य चीजें जब तक नहीं सीखेंगे, अब कई बच्चे हमने आज ऐसे देखे हैं कि पढ़ने में अच्छे हैं लेकिन बाकी उनका जो जीवन है उस जीवन में उनको और जो ऊंचाइयां मिलना चाहिए ऊंचाइयों तक बच्चे पहुंच नहीं पाते। यदि बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है, बच्चों को परफेक्ट बनाना है तो उनको हमें खेलने के अवसर भी देना चाहिए। आज बच्चे में यहां पर हमारे मित्र हैं नईम सर, मैं उनका विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं कि स्पोर्ट्स के लिए वो लगातार लगे रहते थे और हम लोगों ने, जब मैं नगर निगम में पार्षद था उस समय हमने एक खेलों के लिए बहुत बड़ा मंच नगर निगम की तरफ से देने का प्रयास किया और लगातार 10 वर्ष तक हमने पूरे सागर नगर के बच्चों को एकत्रित करके लगभग 17-18 खेल हम लोग आयोजित किया करते थे और उसमें आपकी स्कूल का एक बहुत बड़ा, बच्चों की बहुत बड़ी टीम उसमें भाग लेती थी और ये बच्चे लगातार 7 दिन में प्रतियोगिता चलती थी, पूरा हमारा स्कूल परिवार उसमें हम लोगों की व्यक्तिगत रूप से मदद भी करता था, अपने स्कूल के टीचर्स को भी उसमें भेजते थे और लगातार 7 दिन वो वहां पर बच्चों की खेल की स्पर्धाएं आयोजित होती थी और हमें बड़ी खुशी है कि लगातार 2 वर्ष तक केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 ने जो हमारी ओवरऑल ट्रॉफी मिलती है वो ट्रॉफी इस स्कूल को मिली। इसलिए हम अपने जो हमारे यहां पर बच्चों के माता पिता हैं, स्कूल के हमारे टीचर्स हैं, मैं जरूर आग्रह करना चाहता हूं कि कुछ क्षण जरूर बच्चों को ऐसे आप लोग प्रदान करें जिससे वो बच्चे थोड़ा सा अपने शरीर के प्रति अपना मानसिक स्तर बने, उनका उनका शरीर स्वस्थ रहे और वो बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचे, इस अवसर पर मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं। अब बाकी बहुत सी चीजें हैं, आजादी देश को मिली, आजादी के बाद आज यहां तक देश प्रगति करके पहुंचा और आज हम एक विकसित राष्ट्र के रूप में पूरे विश्व के सामने हैं। भारत और ऊंचाइयों तक पहुंचे इसके लिए जो आने वाली पीढ़ी, जो यहां पर हमारे बच्चे बैठे, आप वो लोग हैं जो देश की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में आप सब मदद कर सकते हैं और आज जैसी वर्तमान देश में परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों को जरूर आप सबको समझना चाहिए, आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। आज देश के प्रधानमंत्री, भारत देश का मान, भारत देश का सम्मान पूरे विश्व में कैसे हो इस बात के लिए लगातार वो काम कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ ऐसे लोग हैं जो इस देश को बांटने पर तुले हैं। इसलिए इस बात को मैं भी आवश्यक रूप से कहना चाहता हूं कि ये जो बच्चे बैठे हैं आप सब देश का भविष्य है, आप सब बहुत मेहनत करके, एक बात और मन से कही गई, हमारे जो पुराने स्टूडेंट थे शायद 12 के बैच के थे, उनने कहा कि ध्येय एक होना चाहिए। आज हम देखते हैं बच्चों को तो वो कभी डांस की बात करते हैं, कभी गायन की बात करते हैं, कभी क्रिकेट का बल्ला लेके क्रिकेट खेलने चले जाते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए कोई बहुत स्थान नहीं। आज आपको अपना 100% किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे खेल का क्षेत्र हो, चाहे गायन का क्षेत्र हो, चाहे डांस का क्षेत्र हो, आपको 100% देने की आवश्यकता है। आप अपने और ऊंचाइयों को पहुंचे, स्कूल का मान सम्मान बढ़ाएं, अपने माता पिता का मान सम्मान बढ़ाएं और एक बहुत अच्छे नागरिक बने,
अच्छी नौकरी करे। और मैं तो कहता हूं जिसमें से कुछ हमारी बहनें साइना नेहवाल बने, पीवी सिंधु बनो, मैरी कॉम बने, और जो हमारे बच्चे हैं वो सचिन तेंदुलकर बने, विराट कोहली बने, आपका भविष्य आपकी ओर देख रहा है। लेकिन आवश्यकता है जीवन में कठोर अनुशासन का, अनुशासित रहें जीवन में। अनुशासन के बिना बहुत सी चीजें छूट जाती हैं, इसलिए अनुशासित रहें और जीवन के प्रति, अभी तो आप लोगों के बढ़िया खेलने कूदने की उम्र है, बढ़िया मस्त रहे, शानदार जीवन जिए, अच्छी पढ़ाई करें। लेकिन इतना आग्रह है कि अपना माता पिता की जरूर चिंता करें। हम आज देखते हैं कि थोड़ा बच्चों में एक ये भाव आया है कि वो उनको जितनी चिंता अपने बुजुर्गों की करना चाहिए, अपने माता पिता की करना चाहिए, उसमें थोड़ी सी कमी आई है। यहां पर बहुत अच्छे बच्चे बैठे हैं, बहुत मजा भी वो लेने के मूड में थे, इसलिए आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि जिन माँ बाप ने अपने आपको पालने में, आपको पढ़ाने में उनने अपनी जितनी एनर्जी लगाई है, कुछ माता पिता को तो मैं जानता हूं जिनकी क्षमता नहीं होती कि हमारे बच्चे कॉन्वेंट स्कूल और सेंट्रल स्कूल में पढ़े और अपना जीवन में जो कुछ उनकी पूंजी होती है पूरी पूंजी वो बच्चों पर लगा देते हैं। इसलिए हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि हम अपने माता पिता के प्रति जरूर चिंतित रहें। आप सब लोग बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचे ऐसी मेरी कामना है। आज साला परिवार ने मुझे यहां आने का अवसर दिया और एक बहुत सुंदर कार्यक्रम का मैं सहभागी बना, इसके लिए मैं साला परिवार का आभारी हूं। और मैं अपनी ओर से व्यक्तिगत रूप से मैं इस संस्था के प्रति यदि कुछ ऐसी आवश्यकताएं हों जो मैं संस्था की मदद कर सकूं तो निश्चित तौर पर मुझे बहुत आत्मिक खुशी होगी कि मैं आपकी संस्था की मदद। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।